तो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऑटोमेटिक मशीन से रिलेटेड प्रॉब्लम जो कि मेरे नेबर में आई है। इससे पहले जितने भी क्वेरीज थी, क्वेश्चंस के आंसर्स थे, आप लोग के व्यूवर्स आते थे और मैं उनके डिस्कस करती थी और उनको जाहिर सी बात है कोई अगर एक कमेंट भी करता है तो इट्स मीन वो पीछे 50 या 100 लोगों की वही प्रॉब्लम होती है। तो अब ये जो क्वेरी आई है मेरे पास वो मेरे नेबर की आई है और मेरे नेबर ने मुझे बुलाया। आज हम उनके घर जाएंगे और देखेंगे उनकी ऑटोमेटिक मशीन से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे कॉल की और मैं उनके पास जाऊंगी और आपको आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए आइए देखते हैं उनकी क्या प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को देखेंगे, चेकआउट करेंगे और अगर मैं सॉल्व कर सकी बगैर टेक्नीशियन को घर बुलाए तो मैं इंशाल्लाह उसका सोल्यूशन भी बताऊँगी आपको। तो चलिए आइए देखते हैं उनके घर जाकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना सुहेल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल हिना सेवन, मेरा घर मेरी जन्नत में। आप सबको खुश आमदी। तो व्यूअर्स कैसे हैं आप सब, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स मैं आपको दिखाने लगी हूँ कि आपने ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के साथ क्या गलती नहीं करनी। आप यहाँ नीचे देख सकते हैं कि किया क्या गया है कि ये एक अलग से वॉल के अंदर पाइप की फ़िटिंग की गई है और आप ये देख सकते हैं कि ये पाइप की फ़िटिंग जो है ये ओरिजिनल मशीन के पाइप के वॉल के साथ जो है अटैच की गई है और ये वॉशिंग मशीन का पाइप है जो वॉल यहाँ पे अटैच है। तो व्यूअर्स हमेशा आपने करना यह है कि आपने इस तरीके की ये गलती नहीं करनी। आप ये देखें ये जो पाइप है इसका मटेरियल कुछ इस तरीके का होता है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा ये काई जमा हो जाती है जो कि आपके मशीन के वॉल में जाकर चिपक जाती है और फिर पानी का इंदराज बंद हो जाता है। पानी की जो है बिल्कुल भी मशीन पानी नहीं ले पाती क्योंकि काई उसके वॉल को बंद कर देती है। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से इस पाइप के अंदर काई जमती है, जबकि मशीन का जो ओरिजिनल पाइप होता है उसके अंदर वो इस मटेरियल का होता है कि इसके अंदर काई बिल्कुल भी नहीं जमती है क्योंकि ये पूरा पैक होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है, ये सूरज की ट्रांसपेरेंट किरणों की वजह से जो है इसके अंदर पाइप के अंदर ये काई जम जाती है। जबकि ये इस मटेरियल का होता है कि इसके अंदर से जब पानी गुजरता है तो वो धूप की उससे बचत होती है जिसकी वजह से काई नहीं जमती। तो अब ये क्या है कि इस तरीके की फिटिंग आपने ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के साथ नहीं करनी है। आपने अब इसका सलूशन क्या है, अब इसका सलूशन ये है कि आपका ये जो टैप है टैप आपने यहाँ से क्लोज कर देना है और इस टैप को बिल्कुल इसके करीब लेकर आना है और फिर इस वो मशीन के वॉल को इस टैप यहाँ टैप लाकर उसके साथ फिक्स कर देना है। फिर ये इस पाइप की उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका सलूशन मैंने इन्हें बता दिया है, ये बिल्कुल प्लम्बर को बुलाकर इस तरीके से इसकी फ़िटिंग करवा देंगे और जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। व्यूअर्स आप इसका वॉल खोलकर भी देख सकते हैं, ईज़िली खुल जाता है और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर अभी उस पाइप से काई इसके अंदर जाकर जम गई है। आप इसको टूथब्रश से ईज़िली साफ़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको मेथड बताया था जिसमें आप सिरका और खाने का सोडा मिक्स कर लगाएंगे तो उसके पोर्स बहुत अच्छे से जो है वो ओपन होंगे, उससे सफाई कीजिएगा। ये देखें व्यूअर्स बंद हो गया है। बंद होने के बाद आपने वापस से पीछे से आपने जो वॉल बंद किया था आप उसे लाजमी खोलिएगा। तो देखिए व्यूअर्स आज की वीडियो और उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आप जो गलती मेरे नेबर ने की थी वो गलती आप नहीं करेंगे। आप वॉशिंग मशीन के पाइप को इस तरीके से नहीं इंस्टॉल करेंगे, उसकी इंस्टॉलेशन वॉशिंग मशीन के खुद के पाइप से ही करनी है। जो भी था वीडियो में मैंने आपको अच्छे से समझाया, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हाँ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि आप मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो से अपडेट रहें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।